दोस्तों ये टेस्ट 15 का डिस्कशन है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक के क्वेश्चंस देखे थे, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 71 से 100 तक। 71 क्वेश्चन नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। इसमें लिखा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा 1935 के बाद मुस्लिमों में अपने सामाजिक समर्थन के विस्तार के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने के पीछे उत्तरदायी निम्न कारणों में से कौन सा कारण सही है। देखिए इसमें बात कही गई कि मुस्लिम लीग जो थी वो 1935 के इलेक्शंस में काफ़ी बुरी तरीके से हार गई थी। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से वो सत्ता पे काबिज हो। उसी चीज़ को लेकर पूछा गया कि कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से इन लोगों ने 1935 के बाद किया। तो पहला मैंने आपको बताया है कि 1935 के जो आम चुनाव में जो आरक्षित सीटें थीं उन पे मुस्लिम जो समुदाय थे या मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो काफ़ी जगह हार गए थे या कई जगह पर उनका प्रदर्शन काफ़ी अपेक्षा अनुरूप नहीं रहा था। सेकेंड है, कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में लीग के साथ संयुक्त सरकार बनाने से मना कर दिया। ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने कहा था कि हम उसमें सरकार नहीं, क्योंकि कांग्रेस वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तीसरा, लीग पंजाब सिंध और उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत और बंगाल जैसे प्रांत में काफ़ी कमज़ोर थी। देखिए ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। ये ऐसे प्रांत थे जहाँ पर मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कांग्रेस की पकड़ ज़्यादा रही, मुस्लिम लीग की कम रही। इसीलिए क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने चाहा कि वह अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा मजबूत करें, और इसीलिए देखा गया कि जब लास्ट में कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया उसके बाद मुस्लिम लीग, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इससे हटके, कि जो हिंदू सांप्रदायिक जो पार्टियाँ थी जैसे कि हिंदू महासभा थी और अन्य ऐसी संस्थाएँ थी, उन लोगों ने भी अपना 1935 के चुनाव में काफ़ी बुरा प्रदर्शन देखा। उसके बाद वहाँ पर भी सांप्रदायवाद का एक नया चरण चालू हुआ। इसी चरण को कहा जाता है गोलवलकर और जिन्ना का चरण। तो इसमें आपका तीनों सही है, सी ऑप्शन हो गया। 72 है सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में जो आपके विभाजन के दौरान हो रही थी, जो 1943-44 में चालू हुई और 48-49 तक गई, उसके बारे में पूछा गया है। कुछ कथन दे रखे हैं और उनमें सत्य पूछा गया है। पहला है कि अत्यधिक हिंसा के मुख्य कारणों में एक, प्रशासनिक मशीनरी का पूरी तरीके से निष्क्रिय। देखिए जब विभाजन का काल आया तो अंग्रेज़ों ने अपने आप को किस कारणवश, अब जैसे कुछ नई किताबें आती हैं वो कहते हैं कि ब्रिटिश जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। उस समय भी ऐसा था कि कई जगह क्या हुआ, अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार के समय ब्रिटिश ने अपना जो प्रशासनिक नियंत्रण था उसको कमज़ोर कर दिया। सेकेंड है, बंगाल बिहार और दिल्ली आदि में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में गांधी जी ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पर दिल्ली था और साथ में दिल्ली के बाद यहाँ पे नोआखाली, ये दो मुख्य ऐसे हिंसा के केंद्र थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा को रोकने में गांधी जी ने भूमिका निभाई। गांधी जी ने यहाँ पर भी जाके एक अपना उपवास किया था, और यहाँ पर भी दिल्ली में गांधी जी के अलावा कई अन्य व्यक्तियों की भी भूमिका रही। वहाँ पर नेहरू ने भी काम किया, कई और कांग्रेसियों ने काम किया, लेकिन नोआखाली में कहा जाए तो एक तरफा गांधी जी ने बहुत बड़ी ज़्यादा तरीके से अपनी ताकत दिखाकर, अपने उपवास दिखाकर वहाँ पर दंगों को शांत कराया। तीसरा है कि गांधी जी के मौत के कारण सांप्रदायिक हिंसा में और तेजी आ गई, क्योंकि इसमें शुरू में अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराया गया था। देखिए गांधी जी के मौत के कारण सांप्रदायिक हिंसा थोड़ी सी रुक गई थी, उसमें तेजी नहीं आई, लेकिन ये सच है कि गांधी जी के हिंसा का शुरुआत में आरोपी बताने की बात ये था कि पूरा एक जो गांधी जी की हिंसा से जुड़ा हुआ एक पूरा जो एक लेटर्स बाद में निकले हैं जो गृह मंत्रालय की तरफ से, तत्कालीन गृह मंत्रालय की तरफ से, उसमें ये कहा गया था कि उसमें ऐसा मतलब षड्यंत्र था कि उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों को इसका दोषी बना दिया जाए जिससे कि वहाँ पर एक सांप्रदायिक हिंसा भड़क सके। लेकिन नाथूराम गोडसे को हत्या के बाद वहाँ के माली ने पकड़ लिया, और जिससे ये वाले जो षड्यंत्र था, ये वाली जो थ्योरी थी, ये चीज़ सफल नहीं हो पाई। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, इसका सही आंसर बी होगा। तीसरा आपका पॉलिटिक्स है कि लिखा है पाँचवीं लोकसभा एकमात्र लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के सामान्य कार्यकाल से आगे बढ़ा था। आपको आपातकाल वाला कार्यकाल याद होगा। सेकेंड है, वर्तमान में 16वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं। नहीं, 16वीं लोकसभा खत्म हुई है, 17वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और जिसके चुनाव में आपको मालूम होगा कि अच्छी खासी अभी जो चुनाव की प्रक्रिया है वह चल रही है, और 23 मई को इसके निर्णय आने वाले हैं। 74th क्वेश्चन है, 80 और इसमें आपको असत्य पूछा गया था, तो आपका आंसर बी होगा।
74 से 1856 के संथालों के विद्रोह के बारे में, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए दो चीज़ें हैं कि इस विद्रोह के पीछे मुख्य कारण था कि उन्हें दामिने को के रूप में सीमांकित क्षेत्र में बसाया गया था। देखिए ये कथन जो है वो गलत है, दामिने को जो था क्षेत्र था वो उसमें इन्हें नहीं बसाया गया था, ये चीज़ कहने की मतलब कि उससे मतलब इन्होंने वहाँ पर बसाया गया था ये चीज़ गलत होगी थोड़ा सा, क्योंकि उनको दामिने कोह में नहीं बचाया गया था, तो ये वाला कथन गलत है। सेकंड है सिद्धू मर्मू और कान्हू मर्मू ने इस विद्रोह के लिए संथालों को लामबंद किया। तो सिद्धू कान्हू का आपका सुना होगा, मर्मू आपने नाम नहीं सुना होगा, उनकी जो सरनेम था, लेकिन सिद्धू कान्हू आपने संथाल के बारे में सुना होगा, ये एकदम सही है। विद्रोहों के बाद एक संथाल परगना उकेरा गया जहाँ भूमि हस्तांतरण संबंधित विशेष कानून प्रचलित थे, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो दो प्रमुख विद्रोह हुए हैं वहाँ पर, एक कोल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुए, या जिसमें आप मुंडा जो बिरसा मुंडा का जिनका विद्रोह वहाँ पे आया था उसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए वहाँ पे दो क्षेत्र थे बहुत बड़े, एक संथाल परगना था और एक छोटा नागपुर जो क्षेत्र था वहाँ पर। वहाँ पर क्या हुआ था कि जमींदारों और वहाँ के लोगों के बीच में पहले चीज़ नहीं पट रही थी, वहाँ पर जो जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन था, भूमि हस्तांतरण था, उसमें कई कमियाँ थी। जब ब्रिटिशों ने यहाँ पर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह हुआ या वहाँ की जो मतलब जागीरदार थे उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, तब उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर नागपुर वाले में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट करके बनाया और यहाँ पर संथाल परगना एक एक्ट करके वहाँ पर सुधार किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संथा भी जो वर्तमान झारखंड के चुनाव जो चल रहे हैं लोकसभा चुनाव, वहाँ पर एक मुद्दा यह भी उठाया गया कि संथालों के समय जो कानून बना था उसका सही से पालन नहीं हो रहा है और उसके लिए उन लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, कांग्रेस का गठन है, दक्कन दंगे हैं, स्वेज नहर का उद्घाटन है। देखिए दक्कन दंगे 1807 आपके, अगर आपको याद करना हो तो दक्कन दंगे का सबसे जो मेन चीज़ें थी वो आपकी कहाँ पे हो रही थी, जब आपका अमेरिका गृहयुद्ध आपका समाप्त हो गया, गृहयुद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका से कपास ब्रिटेन की ओर जाने लगी। जब कपास जाने लगी तो उससे पहले जब गृहयुद्ध चल रहा था उस 5 साल के कार्यकाल में जो कपास थी वो दक्कन से जा रही थी, लेकिन जब वहाँ से दक्कन से कपास जाना बंद हो गई तो दक्कन में दंगे उभर गए और इसलिए वहाँ पर नहीं हुआ। तो जो आपका कार्यकाल 1860 से 65 के बीच का है वहाँ पर आप जोड़ेंगे दक्कन के दंगे उसके बाद हुए। कांग्रेस का गठन कितना है 1885 आपको मालूम है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 है और स्वेज नहर का उद्घाटन उससे पहले वो इसमें हुआ है कि सबसे पहली घटना तो स्वेज नहर का उद्घाटन ही पहली घटना है। नेक्स्ट है केंद्रीय सत्ता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पहला है इसके सदस्य 4 साल के कार्यकाल के लिए या जब तक वे 65 साल के नहीं हो जाते जो भी हो पहले पद धारण करते हैं, सही है। सीवीसी देखिए इसमें आपको सबसे पहली बात है प्रीलिम्स के लिए यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो पीछे संवैधानिक और संविधानोत्तर आयोग दे रखे हैं उनमें नियुक्ति, उनकी प्रक्रिया, उनके जो मतलब सुरक्षा उपाय हैं इनको बहुत अच्छे से याद करिए। खासकर अभी सीवीसी, सीबीआई, आपका लोकपाल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं तो इनके क्वेश्चंस को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा आप रिवीजन कर लें। सेकेंड आपका है सेवानिवृत्त के बाद सीबीसी के सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देखिए पहले ये चीज़ नहीं की जाती थी लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है, साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अब राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा रहा है क्योंकि लाभ के पद को नहीं उसे काउंट किया जा रहा इसलिए उस चीज़ को कर देते हैं, तो 1 एवं 2 है। फिर आपका है लोकपाल के सदस्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता संसद राज्य विधानमंडल सदस्य, बिल्कुल सही है कि लोकपाल जो वहाँ कमेटी है उसमें जो मेंबर है उसका कैसे नहीं बन सकते, अगर आप सांसद हैं या विधायक हैं तो नहीं बन सकते, अगर आपने कोई लाभ का पद धारण कर रहा है तो नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा पहले ही। सार्वजनिक सेवा से अगर बर्खास्त से हटा दिए गए तब भी नहीं, आप किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, एक्टिव कार्यकर्ता हैं तब भी नहीं, और अगर 45 वर्ष से कम के हैं तब भी नहीं, तो ये चीज़ आप याद करिएगा लोकपाल इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सही उत्तर क्या होगा, डी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, नीति आयोग के संबंध में पूछा गया है। सेकेंड है कि कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं है और नीति आयोग केंद्र राज्य सहयोग का बढ़ावा देने का उपकरण है, पूछा गया सत्य। देखिए उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं प्राप्त है, इसमें जो बाकी दो सदस्य हैं दो कथन हैं 2 और 3 वो सही हैं, तो इसका सही उत्तर सी होगा। एक क्वेश्चन आपका थियोरेटिकली है
कि भारतीय संघ को सहकारी संघवाद के रूप में किसने वर्णित किया है। आप लोग लक्ष्मीकांत जब पढ़ते होंगे वहाँ पे साफ साफ मिल जाता है संघवाद केंद्रवाद संबंध के चैप्टर में, और कहें तो संविधान का जो संविधान की प्रमुख विशेषताएँ हैं वहाँ पर भी मिल जाता है कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद के लिए भारत को कहा था। फिर आपका क्वेश्चन है 18, एक तरफ संविधान संशोधन दे रखे हैं और एक तरफ आपकी विषय वस्तु दे रखी है, पूछा गया कौन से सम्मिलित है। 102 जो अमेंडमेंट है इसके बारे में आपने खूब सुना होगा कि एक नया ओबीसी जो आयोग है वो बनने वाला है, नेशनल ओबीसी आयोग जो बैकवर्ड कमीशन है। 99th वाला जो है आपने सुना होगा एनजेएसी के नाम से, जिसको कॉलेजियम के एक विकल्प के रूप में था लेकिन उसको वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था वहाँ से। 76 जो अमेंडमेंट है वो आपका 9th शेड्यूल है, उसमें विस्तार करने को लेकर ये करा गया था। तो ये तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को लेकर। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि फिल्मों में काफ़ी सारे जो अच्छे एक्टर इस समय आपको दिखाई देते हैं वो NSD से हैं, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इरफान हैं, पीछे नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इस टाइप के लोग जो भी जितने भी अच्छे एक्टर थे वो आजकल दिल्ली में NSD से पढ़कर आते हैं। तो NSD जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है ये आपका एक तो कॉलेज के रूप में कार्य करता है, इसकी स्थापना जो थी 1959 में संगीत नाटक अकादमी ने की थी। 1975 में यह एक स्वायत्त निकाय बन गया। क्वेश्चन में आपसे सीधे तौर पे यही पूछा गया है कि इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है, 1959 में की गई थी। स्वायत्त संस्थान के तौर पे काम करता, बिल्कुल 1975 के तौर बाद अब यह स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर ध्यान रखें ये डिग्री डिप्लोमा कई तरीके के देता है, जो एक्टिंग में, डायरेक्टर में, रेपेटरी में, कई चीज़ों में ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मिशन भारतीय संस्कृति मंत्रालय से संबंधित नहीं है। एक है इतिहास पुनर्लेखन मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और गांधी धरोहर स्थल मिशन। देखिए इतिहास पुनर्लेखन मिशन ऐसा कोई मिशन नहीं है, ये सिर्फ एक बनाया गया है जिससे आप कंफ्यूज हो सकें। बाकी राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, पुस्तकालय मिशन और गांधी धरोहर स्थल, ये दो जो मिशन हैं, बाकी ये सारे मिशन जो हैं वो आपके संबंधित हैं। पूछा गया कौन सा नहीं है तो केवल एक आपका ए आंसर इसका होगा। देखिए 83 क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती ये हुई कि ये क्वेश्चन जब बनाया गया तो इंडिया ईयरबुक से बनाया गया, और इंडिया ईयरबुक में क्या है कि जो क्वेश्चन डेटा दे रखा था वो नवंबर 2018 तक का अपडेट था, उसको देख के बनाया गया। इसमें पूछा गया था प्रसाद योजना के तहत कौन सा स्थल नहीं है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री। इसमें आपका वैसे जो इंडिया ईयर बुक है उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ दे रखे हैं और गंगोत्री नहीं दे रखा है, लेकिन दिसंबर 2018 में गंगोत्री और यमुनोत्री को भी प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया, जिससे अब ये स्थल जो हैं वो 41 हो गए हैं। प्रसाद योजना जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 2014-15 में स्थापित की गई थी, जिसमें आपका था कि जो भी पिलग्रिमेज कई सारे हैं उनको एक साथ जोड़ा जाए, उनको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित किया जाए और साथ ही साथ लोगों को उसके बारे में जागरूक और वहाँ पर लोगों के जो पर्यटन है उसको बढ़ाया जाए। तो इसमें अगर आप देखेंगे इसका आंसर इसमें तीनों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तीनों शामिल हैं, पूछा गया था शामिल नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा गंगोत्री यमुनोत्री भी अब शामिल हो चुके हैं। बाकी स्थलों को आप एक बार ध्यान रखेंगे कि जितने भी फेमस स्थल हैं लगभग इससे जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ हिंदू स्थलों को नहीं, ये सभी मुस्लिम, बौद्ध सभी स्थलों को ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है फिलाटेली। फिलाटेली क्या है, ये भी इंडिया रेबू का एक क्वेश्चन है। फिलाटेली जो है वो डाक टिकटों का संग्रह है। बहुत से लोगों को शौक होता है कि वो कई सारे स्टैंप जो डाक स्टैंप होते हैं उनको एक मतलब संरक्षित करते हैं और उनको मतलब सजोने का उनका एक शौक होता है, उसी शौक को जो होता है वो कहते हैं फिलाटेली, डाक टिकटों का संग्रहण करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्यटन स्थल किस राज्य से संबंधित है, टीपू सुल्तान, शाही मस्जिद, बेलूर मठ और निजामत अवामबाड़ा। अगर आप इसमें सबको नहीं भी जानते होंगे तो लगभग एक को जानते होंगे, बेलूर मठ। बेलूर मठ जो था रामकृष्ण परमहंस मिशन से जुड़ा हुआ है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित है, तो इसमें वो आपको मालूम पश्चिम बंगाल में है। इस तरीके से आप इसको सही कर सकते थे, ये क्वेश्चन का ट्रिक पॉइंट होता है कि जहाँ से आप एक चीज़ को पकड़कर उस उत्तर को निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाएं किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? इंडियन लिटरेचर, समकालीन भारत साहित्य, संस्कृत प्रतिभा। देखिए जो इंडियन लिटरेचर है ये इंग्लिश पत्रिका है, 1957 में स्थापित हुई थी। समकालीन भारतीय साहित्य जो है वो 1980 में हुआ था, संस्कृत प्रतिभा थोड़ी उसके बाद में हुई। ये तीनों जो हैं वो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। पहली इंग्लिश में है, दूसरी हिंदी में है और तीसरी संस्कृत में है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इंडियन प्रेस काउंसिल भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह एक अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, बिल्कुल सही है, ये अर्ध न्यायिक है। सेकंड है, देखिए अर्ध न्यायिक से याद रखिएगा, जब भी आप किसी को जज करने बैठते हैं वहीं पर से आप अर्ध न्यायिक हो जाते हैं। पूर्ण न्यायिक क्यों है? क्योंकि भारत में न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आप नहीं आते हैं। जैसे संसद जब राष्ट्रपति का महाभियोग का काम करे तो क्या हो जाता है? अर्ध न्यायिक। जब राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड पे करे तो वो अर्ध न्यायिक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड है, इसका पदेन अध्यक्ष सूचना प्रसारण मंत्रालय का सचिव होता है, ये गलत है, कंफ्यूज करने के लिए है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। तो इसमें असत्य पूछा गया, तो केवल दो इसका सही उत्तर होगा। अगला पूछा गया है कि जैन सिद्धांत के अनुरूप इसमें कौन सा कथन नहीं है। पहला है, कर्म को विनिष्ठ करने का सुनिश्चित मार्ग निर्जरा है। फिर है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो उसमें आत्मा होती है। फिर है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। देखिए जैन धर्म जो है वो कर्म पुनर्जन्म को मानता है। वो कहता है कि जो ये कर्म होते हैं यही कारण होते हैं आपके पुनर्जन्म के, और अगर ये पुनर्जन्म चलता रहेगा वो क्योंकि आपके कर्म रहेंगे, अगर आपको इनसे छुटकारा पानी है तो आपको कैवल्य पाना होगा। फिर उसके बाद है कि अगर आप इस कर्म के प्रवाह को रोकना चाहते हैं तो इस पूरी चीज़ को कहते हैं संवर, और अगर आप मौजूदा कर्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं निर्जरा। तो जो पहला कथन है, कर्म को विनिष्ठ करने का सुनिश्चित मार्ग, कर्म को ख़त्म करने का अगर कोई निश्चित मार्ग है उसको निर्जरा कहते हैं, तो ये आपका है पहला सही। दूसरा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो उसमें आत्मा होती है, तो वो बिल्कुल मानते हैं कि कोई भी चीज़ है उसमें आत्मा का निवास है। तीसरा है, कर्म आत्मा का विनाशक और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। देखो जैन धर्म कहता है कि जो आत्मा होती है उसके ऊपर कर्म का एक कवर चढ़ा होता है, आवरण चढ़ा होता है, इसके कारण जो आत्मा है वो मुक्त नहीं हो पाती है। इसलिए अगर कर्म बना रहेगा तो वो आत्मा का विनाशक है, अगर उसको ख़त्म करना है तो कर्म को आपको ख़त्म करना होगा और उससे मुक्ति पानी होगी। तो इसमें आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये इसमें दे रखो कई कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, जैसे राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों को सजाने के हेतु प्रयुक्त एक शैली, कोटा रेलवे स्टेशन सजाने के लिए प्रयुक्त, मुगल शैली के करीबी संबंध, कृष्ण की जीवन लीला और इनसे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपने डायरेक्टली चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएंगे तो उस चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे कि 2018 का एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था, बनी ठनी जो कला है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। अब इसे समझिए, बनी ठनी जो ये वर्ड है, और वहाँ पे अगर आप स्टेट देख रहे थे वहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे रखे थे जो साउथ के थे, और इधर आपके लिए मुख्यतः एक राजस्थान था। जब आप बनी ठनी बोलते हैं तो आपको खुद समझना चाहिए कि ये लैंग्वेज राजस्थान से आती है। ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है, इन्होंने राजस्थान का दे रखा है और नीचे पूछना है, अब नाथ द्वार है, मिथिला है और कांगड़ा है, क्या कांगड़ा मिथिला तो आपको बिल्कुल अलग होगा क्योंकि ये दोनों तो बिहार और उत्तराखंड के वो हिमाचल के हो जाते हैं। अब नाथद्वार और बूंदी बस्ती है, तो बूंदी कहाँ का है? कोटा के आसपास का क्षेत्र है, तो ये पूरी तरीके से निकल आती। वैसे जो बूंदी चित्रकला शैली थी वो लघुचित्र पेंटिंग है, भारतीय लघुचित्र पेंटिंग कहा जाता है। राजस्थानी शैली 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में ये विकसित हुई थी। इसका प्रयोग आजकल कोटा रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार कर रही है। तो इसका आंसर बी है। फिर है, पल्लवकालीन रथ निर्माण में किसके रथ शामिल हैं? अर्जुन, धर्मराज और द्रौपदी। देखिए रथ तो तीनों शामिल हैं, वहाँ पर सप्त पैगोडा है जहाँ पे पांच पांडव के हैं, पांचों पांडव के, फिर द्रौपदी का है और एक बलराम का है। तो इसमें आपसे पूछा गया है किसके रथ, तो ये तीनों हैं। धर्मराज का रथ जो है सबसे बड़ा है, द्रौपदी का सबसे छोटा है। ये नरसिंह वर्मन के समय में
के समय हुआ था, जिसे मामल्य शैली भी कहा जाता है। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकती है। आपको मालूम है अमीबा पैरामीशियम ऐसे जीव हैं जो एक कोशी होते हैं और कोशिका ही पूरी तरीके से एक जीव के रूप में कार्य करती है। तो पहला सही है। दूसरा है सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही है कि जब पहली कोशिका आती है उसका विभाजन होता है, माइटोसिस जो भी चीज़ें होती हैं उनका समसूत्री विभाजन विषमसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद कई कोशिकाओं से ऊतक बनता है, ऊतक से फिर अंग का निर्माण होता है और शरीर बनता है। और इस यही चीज़ कहा गया सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 92nd क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड है, देखिए प्रोटिस्टा क्या है, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं और वो एक कोशी होते हैं जिनको यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है। फंजाई पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक, ये देखो फंजाई जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं जो पोषण के लिए जितने भी सड़े गले चीज़ें उन पर निर्भर करते हैं। तीसरा है मोनेरा वर्ग के अंतर्गत जीवाणु नील हरित शैवाल आदि आते हैं, ये भी सही है। देखो ये स्वपोषी भी हो सकते हैं विषमपोषी हो सकते, दोनों हो सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह भी साइंस से रिलेटेड ही है कि कोशिका भित्त के संदर्भ में। देखिए कोशिका भित्त जो होती है वो पादप कोशिका में ही सिर्फ पाई जाती है, ये सेलुलोज की बनी होती है और इसकी निश्चित आकृति को बनाए रखने के लिए, जैसे कोई भी अगर आपका कोई भी जो स्ट्रक्चर है कोशिका का उसको बनाए रखने के लिए सेल वॉल जो होती है वो काम करती है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान बढ़ जाता है। नहीं, जब अम्लीय जल होता है तो उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, जब हो जाता है तो पीएच मान कम हो जाता है। सेकंड है, अच्छी पौधे उपज के लिए विशिष्ट पीएच पराज की आवश्यकता होती है। बिल्कुल इसमें सही है। और असत्य पूछा गया तो पहला असत्य है क्योंकि उसमें दे रखा है बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ कम होना था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अब प्रकाश संश्लेषण देखिए क्या क्या चीज़ है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करता है। देखो आपको मालूम होगा कि एक जो पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य से प्रकाश लेता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वो करता है और फिर उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है पानी के साथ C6H12O6 उसमें जाके, और फिर उसके मतलब ग्लूकोज के कणों में टूट जाता है। यहाँ पर उस हिसाब से कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, मैंने बताया आपको किस तरीके से प्रकाश ऊर्जा जो होती है इसको लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, बिल्कुल सही है। तो जल अणु हैं उसमें H2O होता है, H को अलग करके O को अलग करके मिलाकर ही वो ग्लूकोज के अणुओं में ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ये बिल्कुल सही है, तीनों चीज़ें चारों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। इसमें है वसा या कार्बनिक घोलों में घुलनशील। देखिए इसके लिए एक फार्मूला जिसे हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक है एडेक बोलते हैं, एडेक, एडेक जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसमें आप देख लीजिए ADE के कौन सा 1, 4, 5, 6, तो आपका सही उत्तर सी हो गया। 97 है, सत्य पूछा गया है द्रव का आयतन निश्चित होता है। देखिए द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार कहीं भी जाए वहाँ होता है, आयतन उसका निश्चित हो सकता है। फिर है ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। देखिए ठोस की अपेक्षा द्रवों में क्या होता है कि विसरण की दर जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए जो द्रव अवस्था में पदार्थ के कण होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में होते गति करते हैं और ठोस में उसके कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है, इसलिए जो इसमें दे रखा है कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक है, बिल्कुल सही है। फिर है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अब आपको मालूम है रिक्त स्थान अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो रिक्त स्थान बढ़ने में विसरण बढ़ेगा और विसरण बढ़ेगा तो तीव्रता से ही उनकी गति अनियमित हो जाएगी और बहुत तेज़ी से होगी, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पूछा गया है सही सुमेलित हैं। देखिए अमाशय जो होता है वो अम्ल का निर्मोचन करता है, यकृत जो होता है वो पित्तरस का स्राव करता है, छोटी आंत पाचन को पूरा करती है। यहाँ पर अमाशय स्थान में पित्तरस का स्राव है, गलत है, यकृत करता है। अमाशय का अम्ल का निर्मोचन है और छोटी आंत जो है वो पाचन को पूरा करती है, तो इसमें सही सुमेलित सिर्फ तीन है, केवल तीन है, ये आंसर होगा। 99 कल्चर का है द्रविड़ शैली का। आपको मालूम होना चाहिए कि जो विंध्याचल तक मतलब ऊपर हिमालय से विंध्याचल तक की शैली है वो नागर शैली होती है मंदिर की, उसके बाद आपकी बेसर शैली और फिर द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली जो होती है
उसका उसमें खास स्थान अलग है। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो साउथ में जो मतलब चोल के द्वारा मुख्यतः मंदिर बनाए गए हैं वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। नागर शैली में जो चंदेलों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा मंदिर बनाए गए हैं वो आते हैं। नागर शैली में एक चीज़ खास बात यह है कि इसकी पूर्वी शैली भी है, जैसे कि जो इसमें लिंगराज मंदिर है, आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये सब आते हैं। और जो बिल्कुल क्लासिकल आपके नागर शैली के आते हैं वो कन्हरिया महादेव, खजुराहो के जो मतलब मंदिर जितने भी समूह हैं वो सारे आते हैं। और जो कैलाशनाथ मंदिर है, तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर है, ये आपका द्रविड़ शैली में आते हैं। तो इसका सही उत्तर 3 एवं 4 होगा। हैंडेड क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसमें है चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में निम्नलिखित में कौन से शामिल हैं। देखिए आयुष आपने वर्ड सुना होगा, आयुष मिनिस्ट्री भी है, आयुष इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें साथ में पूछे होते हैं, तो वो क्या क्या उसमें क्या क्या है, आयुर्वेद है, योगा है, यूनानी है, सिद्ध है, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, मतलब सारे इसमें सही हैं आपके जो इसमें चिकित्सा के शैली में आते हैं। थैंक यू, ये आपका लास्ट टेस्ट था। आप लोगों के पेपर के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे पेपर और डिस्कशन से खुश होंगे और हम लोग आपसे अगले साल मिलेंगे इसी टाइम में। और ऑल द बेस्ट, दीक्षांत संस्थान आपको आपके बेहतर पेपर करने के लिए शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि आपसे हम लोग मेंस में मिलेंगे। थैंक यू।